भी नेटवर्क टू चैनल को सब्सक्राइब करे घंटी दबाना ना भूले। एक हंगामे महशर हो तो उसको बोलूं, यहां सैकड़ों हंगामे का रह रह के ख्याल आता है। ये सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, रात के 1:25 हो गए, बस 10-20 लोग, हाँ इसको कम कर दो बाबू, 10-20 लोग रहे, 2-4 बात आपसे बात करें। अब कुरान की एक आयत की मैं तिलावत कर रहा हूँ, जो लोग इधर उधर बैठे हैं वो इसको सुने, इसका तर्जुमा मैं करता हूँ। और बहसियत मोमिन कुरान की एक एक आयत नहीं बल्कि एक एक नुक्ते पर हमारा ईमान है। बोलो ना भाई, है ना? अगर एक नुक्ते से भी कोई इनकार करता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता। अब कुरान की एक आयत मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मोमिन हैं मुसलमान हैं उसका तर्जुमा सुनिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान के 28वें पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह किससे फरमाता है? ईमान वालों से, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें मजलिस में कहा जाए खिसकने को तो तुम खिसक जाओ। अल्लाह फरमाता है जब मजलिस में कहा जाए खिसकने को तो खिसक जाओ। अब मैं आपसे अदब से गुजारिश करूंगा, जो हजरात पीछे बैठे हैं अगर जहमत नहीं हो तो आगे आकर के 10-15 मिनट के लिए बैठ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। कुरान की जो मैंने आयत करीमा की तिलावत किया है उस पर आपका अमल भी हो जाता। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आगे तशरीफ लाए, मैंने चूंकि कुरान की आयत पढ़ी है ना, और आपने उसका तर्जुमा से मात किया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, कुर्सी ही लेकर आगे बढ़िए, ज्यादा देर मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, है ना। हाँ भाईजान, थोड़ा सा आगे आ जाइए, चूंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि बहैसियत मोमिन ईमान वाले, है ना। हाँ आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आ जाओ, अच्छा लड़का, आ जाओ माशाल्लाह। एक भाई साहब उधर बैठे हैं, अगर कोई तकलीफ नहीं हो तो आ जाइए भाई, आ जाओ बाबू, मोबाइल आगे आ जाओ। बहुत लोग हैं माशाल्लाह, बहुत लोग हैं, अगर एक आदमी तक भी पैगाम पहुंच गया, कोई जरूरी नहीं कि जलसे में 20,000 का मजमा हो, कोई जरूरी नहीं, 50,000 लोग हो कोई जरूरी नहीं, 10 लोग हो, आपको मैसेज दिया जाए, आपको पैगाम दिया जाए, आपको समझाया जाए कि हमको करना क्या है। जैसे ये अकीका का प्रोग्राम है ना, अकीका बेटा का बेटी का, बेटा बेटी दोनों का खतना नहीं ना, सिर्फ अकीका है। अब कुरान की एक आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है, यहा बोली मैशा वया बोली मैशा उद्दुकूर। अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है बेटा देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है। ये इंसान के बस का नहीं है या किसी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है। और क्या फरमाया कि बेटा नेमत है, बेटा नेमत है, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है। बेटा नेमत है और बेटियां रहमत है। और फिर सरकार फरमाते हैं कि यही बेटी
जब माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक माँ या एक बाप हजारों परेशानियों की मंजिल से दो चार होने के बाद अपने एक बच्चे की परवरिश करता है, उसको परवान चढ़ाता है। बात आ गई तो सुनिए, जिसके वालदैन जिंदा है वो सुने, जिसके वाली जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है वो गौर से सुने। आका फरमाते हैं कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, जिस तकलीफ के बाद बच्चा अब माँ के पेट से दुनिया में आने वाला है, तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। अब आप जरा सोचिए, क्या फरमाते हैं कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, जिस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आने वाला है, तो सरकार फरमाते हैं जो माँ उस आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। माँ क्या है, बाप क्या है? बच्चों के अकीके के मौके से एक बाप ने इतना अच्छा एहतमाम इंतजाम करके प्रोग्राम कराया, मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने नेमत और रहमत की शक्ल में जो मुझको दिया है, उसके महबूब की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके हम उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें। कुरान ने कहा वश्कुरूली वला तकफुरून, शुक्राने नेमत बनो, तुम कुफराने नेमत नहीं बनो। अब आप के ऊपर आपके वालदैन की क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? कुरान पढ़िए आप। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वबिलवालिदैन एहसाना। अल्लाह फरमाता है कि अपने वालदैन पर एहसान करो। अल्लाह क्या फरमाता है कि अपने वालदैन पर एहसान करो। आगे इरशाद फरमाता है इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا। قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں ثواب کی نیت سے، بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے بھائی سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم بڑھاپے میں ان دونوں کو، ماں اور باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ، تو فلا تقل لہما، ان کی شان میں اف تک نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور اپنے والدین کو مت جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور اپنے والدین کے لیے عاجزی کی بازو کو بچھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قرآن کی اگلی آیت سنو اور ذرا غور کرو کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ، ہم اپنے باپ کے ساتھ کون سا سلوک کرتے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ میں بتائیے کتنے بچے ہیں جو رات میں سونے سے پہلے اپنی ماں کا پاؤں دبا کے سوتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ बाबू, पांव समेट लो, पांव दबाने के लिए कहें, फैलाने के लिए नहीं कहें। कितने लोग हैं भाई, बताओ ना भाई, कितने लोग हैं जो अपनी माँ का पांव दबाते हैं? एक दो आदमी। क्यों? अगर मैं कहूं कि कितने लोग हैं जो अपने पीर साहब का पांव दबाते हैं, एक एक फर्द उठा देगा हाथ, एक एक फर्द। 9 महीना पेट में
तुमको तुम्हारे पीर ने रखा है या तुम्हारी माँ ने रखा है? तुम संजीदा होके सुनो ए चाय वाले, टेंशन मत लो, यूपी में चाय की दुकान दोबारा खुल चुकी है। ये तो झारखंड के लोग अकलमंद थे जो यहाँ चाय की दुकान में ताला लगा दिया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ताला ही लगा रहेगा। और इससे ज्यादा होशियार है उसने ताला लगाया ही नहीं, बंगाल वालों ने ताला को उठा के फेंक दिया है ना, कि हम बगैर चाय ही के ना अपना काम चला लेंगे ना, इसलिए 10 मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाय बेचो, कमाना खाना चाहिए, कमाने खाने के लिए पैदा हुए हो ना। तो मैं यार से कर रहा था बहुत संजीदा होकर के, दो चार बातें, दो चार पैगाम आपको मैं देना चाहता हूँ, चूंकि बहुत अच्छा अजमत रजा भागलपुरी साहब ने पढ़ा, बहुत अच्छा शहबाज रजा साहब ने पढ़ा, अब मेरे अजीज मेरे छोटे भाई दिलबर शाही साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। आजकल किसी को अजीज कहने में भी डर लगता है। हाँ भाई, जिसको बाबू समझिए वो थोड़ा सा चलने लगे तो वो अब्बा बन जाता है, अब्बा बन जाता है। आज ये दौर है, आज लोग इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि वो अपने मोहसिन के एहसानात को फरामोश कर देते हैं, उसको याद ही नहीं रहता है कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं। मेरी नजर में वो बहुत बड़ा नमक हराम है जो अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश कर देता है। क्यों भाई, क्यों? तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हमारा समाज, हमारा मुआशिरा, मुआशिरे के लोग, जैसे 6 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला, जोर से बोलो कई दिन के बाद, जोर से बोलो कई दिन बाद, 6 दिन के बाद, कहां ले जाओगे रमजान को ढकेल के? एकदम मई जून में ये कन्फर्म ही नहीं है, इसलिए कि रमजान कब से शुरू होगा ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, और ईद का चांद कब नजर आएगा? जो रोजा नहीं रखता उसको ज्यादा याद रहता है। 28 रमजान को आके बोलेगा तब मौलाना क्या पोजीशन है इस बार? एक रोजा नहीं रखेगा? आपने तो मजहब और मजहब इस्लाम का मजाक उड़ा दिया है, मजाक उड़ा दिया है। आज आप जो परेशान है, आप जो तबाह है, खुद आप इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, पूछो आज से 10-15 साल पहले अगर कोई रोजा नहीं रखता था तो होटलों में पर्दा लगा रहता था, दाएं बाएं देखता था, जब उसको कोई जान पहचान का नजर नहीं आता था पर्दा उठाता था, घुस जाता था, खाता था, निकल जाता था। मगर आज इतने बेहिस हो गए हैं आप, इतने बेहिस हो गए हैं। आपके सामने रोजेदार बैठा है, आप पान खा रहे हैं, आपके सामने रोजेदार बैठा है, आप चाय पी रहे हैं, आपके सामने रोजेदार बैठा है, आप गुटखा खा करके थूक रहे हैं। क्यों रोजे का मजाक उड़ाते हो, क्यों उड़ाते हो भाई? क्या मरना नहीं है? अल्लाह को जवाब नहीं देना है? कौन सा चेहरा लेकर अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में जाओगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह हू अकबर। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ईद की नमाज पढ़ने के बाद रोते थे, आंसू बहाते थे, रोते थे। लोगों ने पूछा ए उमर रो क्यों रहे, आंसू क्यों बह रहे, आज ईद का दिन है? तब हजरत उमर ने फरमाया था कि आज ईद का भी दिन है, आज वईद का भी दिन है, कल मैदान कयामत में अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा ए उमर एक बात बता कि रमजान जैसा मुकद्दस मुतबर्रक महीना मैंने तुझको दिया था तो किस अंदाज से गुजारा, किस तरह से गुजारा, क्या जवाब दूंगा अपने परवरदिगार को? वो उमर, वो उमर,
जिसके बारे आका फरमाते हैं जिस तरह आसमान के सितारों को शुमार नहीं कर सकते उसी तरह हजरत उमर फारूक आजम की इबादत का भी शुमार नहीं। वो चूटी को देखते थे तो फरमाते थे काश मैं चूटी होता तो कल कयामत के मैदान में अल्लाह ताला मुझसे हिसाब किताब नहीं लेता। आप कहाँ हैं? सरकार ने फरमाया शाबान शहरी वल रमजान शहरुल्लाह कि शाबान मेरा महीना है और रमजान परवरदिगार आलम का महीना। किस तरह आप जिंदगी गुजारते हैं? रोवो गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में दुआए मगफिरत करो माफी चाहो परवरदिगार ये तेरा महीना है मगफिरत का बख्शिश का महीना है मौला हम गुनाहगार है तू हमारे गुनाहों को माफ कर। रोइए गिड़गिड़ाइए। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब की अजान से कबल जो इफ्तार का वक्त होता है जो बंदे खुदा इफ्तार से पहले हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है अल्लाह अपने उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। जब इफ्तार आपके सामने हो अजान से पहले बच्चों को लेके बैठ जाइए खुद बैठे बेटा हो बेटी हो बीवी हो बहन हो दस्तरखान सामने है खाने की चीजें हैं पानी है अजान में कुछ वक्त है हाथ उठाइए हाथ उठाइए रोइए रोइए दो चार कतरे आंसू बहाइए ये आपके आंसू बहुत कीमती हैं। एक कतरा आंसू भी अगर खौफे खुदा में आपका गिर गया अल्लाहु अकबर। मुकाशफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने लिखा है कि कयामत के मैदान में एक शोर होगा एक हंगामा होगा कि जहन्नम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है एक खौफ एक दहशत का माहौल एक हंगामा होगा। हजरत जिब्राइल दौड़ते हुए जाएंगे और जहन्नम से कहेंगे ए जहन्नम तुझे उम्मत मोहम्मदिया के रोजे का वास्ता है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए जिसने रोजा रखा था पीछे हट पीछे खिसक। मगर इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो जहन्नम की आग तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। गौर से सुनना फिर जिब्राइल कहेंगे जहन्नम तुझे उम्मत मोहम्मदिया की जकात का वास्ता है पीछे हट पीछे जा पीछे खिसक। मगर जहन्नम की आग तेजी के साथ और आगे बढ़ेगी। इमाम गजाली लिखते हैं मुकाशफतुल कुलूब में हजरत जिब्रील जाके कहेंगे कि जहन्नम मुहम्मद के सदकात का वास्ता है पीछे हट जहन्नम की आग आगे बढ़ेगी। जाकर जिब्रील कहेंगे जहन्नम तुझे उम्मत मुहम्मदिया की नमाज का वास्ता है वो नमाज जिसमें रया नहीं वो नमाज जिसमें मक्कारी नहीं वो नमाज जिसमें दिखावा नहीं पीछे हट। इमाम गजाली लिखते हैं कि जहन्नम की आग तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। तब हजरत जिब्राइल एक कटोरा में पानी होगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देंगे और अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह इस पानी को जहन्नम की आग की तरफ फेंक दीजिए। जो ही मुस्तफा फेंकेंगे जहन्नम की आग पीछे को खिसकती चली जाएगी पीछे को भागती चली जाएगी। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह इस कटोरा में पानी नहीं था इस कटोरा में वो आंसू थे जो खौफे खुदा की वजह के आपकी उम्मत के आंखों से बहे थे आपकी उम्मत के आंखों से गिरे थे ये आपकी उम्मत के वो आंसू है। तो सुनो तुम्हारे आंसू में कितनी ताकत कितना दम है कि तुम्हारे आंसू को जहन्नम की आग के तरफ फेंका जाए तो जहन्नम की आग पीछे चली जाएगी। अब इसी को आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब उम्मत के आंसू में इतना दम है तो बोलो मुस्तफा के आंसू में कितनी रो गिड़गिड़ाओ संजीदा होकर मेरी बात सुनो रो गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में मालिक तू करम फरमा दे। सरकार फरमाते हैं कि जब इफ्तार सामने हो पानी भी हो खाना भी हो और लोग बैठकर मस्जिद
से अजान की आवाज का इंतजार करते हैं कि मौजिन अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करेगा हम पानी पिएंगे, मौजिन अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करेगा हम रोजा खोलेंगे। और उस वक्त आदमी हाथ जब फैलाता है अल्लाह की बारगाह में, आंखें बंद है, हाथ उठे हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, मौला तू रज़ाक है, मौला तू रिस्क दे दे, मौला तू शिफा देने वाला है शिफा दे दे, मौला बीमारी से निजात दे दे, मौला बच्चे रोजगार है रोजी दे दे। जब हाथ उठाकर बंदा दुआ करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तब अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों देखो मेरे बंदे को, देखो मेरे बंदे को कितना प्यार है मेरे दीन से, कितना प्यार है मजहब इस्लाम से, कितना प्यार है कानून इस्लाम से, कितना खौफ है मेरे दिल में। पानी हाजिर है मगर मेरा बंदा पी नहीं रहा है, खाना हाजिर है मेरा बंदा खा नहीं रहा है, प्यासा है मगर मस्जिद से अजान की आवाज का इंतजार कर रहा है कि अजान हो तब पानी पिए, भूखा है मगर खा नहीं रहा, भूख की शिद्दत है मगर बर्दाश्त कर रहा है, अजान का इंतजार कर रहा है। ए फरिश्तों, ए फरिश्तों सुन लो, मेरा बंदा इस वक्त जो भी हाथ उठाकर मुझसे मांगेगा मैं अपने बंदे की हर दुआ को कबूल करूंगा और हर दुआ को कबूलियत से नवाजूंगा। इसलिए रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में झुको। अभी शबे बारात गुजरी है, हर मोहल्ले की मस्जिद को शबे बारात में सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है। आजकल तो हर मस्जिद में खासकर शहरों में एसी लगा दी गई, एसी लगा दी गई ताकि नमाजी जुमा की नमाज पढ़ने आए तो आसानी के साथ एसी की हवा खा के सो जाए। आज वो मुशक्कत कहां? पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के होते थे, अब मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे होने लगे। मेरे पास उतना टाइम कहां है कि हम नमाज पढ़ें? मेरे पास उतना टाइम कहां है कि हम नवाफिल की कसरत करें? रोए, गिड़गिड़ाए नहीं, अल्लाहु अकबर। शबे बारात में हर मस्जिद सजा दी जाती है, लाइटिंग की जाती है, लोग जानते हैं, जागते हैं। मगर बोलो रमजान में 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, इन सब ताक रातों में बिलखसूस 27वीं शब में कितनी मस्जिदें सजाई जाती है, कितने लोग मस्जिदों में जागते हैं। जिस रात में कुरान उतरा, अल्लाह फरमाता है इल्ला ज़ल्लाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल कद्र में कुरान को नाजिल किया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल कद्र क्या है हजार महीनों से अफजल है। आगे फरमाता अल्लाह तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लअिल फज्र, फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला मांगे रिस्क, है कोई सेहत मांगने वाला मांगे सेहत, है कोई बीमारी से निजात मांगने वाला मांगे, है कोई मगफिरत का चाहने वाला मांगे। मगर आप बताइए कितने लोग हैं जो रमजान की 27वीं शब को जागते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, आखिर क्यों? आप कहां हैं? अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कीजिए, अल्लाह से डरिए और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहम्मद सुल्तान अंसारी साहब को कि जिन्होंने इतना अच्छा एहतमाम किया, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी को जो आपके मोहल्ले के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में इन्होंने आपके मोहल्ले का नाम रोशन किया है। अल्लाह ताला मजीद बरकत दे, तरक्की दे और आज के इस पाक मुकद्दस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार हमको और आपको तमाम लोगों को आमाले सालिहा की
तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन वाखिर दावाहु अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए दिलवशा आप लोगों की फरमाइश पूरी की जाएगी। आप लोग आराम से बैठिए, जलसा बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है माशाल्लाह। जो जो फरमाइश है वो दीदी की है, दादा भौजी सब पढ़ देते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।